हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के समय में मोटापे की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मोटापे की समस्या शहरों के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। इस समस्या के बहुत सारे कारण होते हैं और आज मैं आपको इसके कारण बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोटापे की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं जब शरीर पर मोटापा यानी कि चर्बी बढ़ जाती है तो उसके क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है एक्सरसाइज ना करना। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके शरीर पर चर्बी बढ़ती जाएगी, जिससे आप मोटापे के शिकार हो जाओगे। दूसरा चीज़ होता है नींद की कमी। अगर आप रोज़ाना के तौर पर अपनी अच्छे प्रकार से नींद नहीं लेते हैं, रोज़ाना जो 6 से 8 घंटे की नींद होती है, अगर आप उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तीसरी कमी होती है अधिक मात्रा में तेल, घी आदि जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना के मुकाबले घी तेल जैसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आनुवंशिक विकार, हार्मोन का असंतुलन होना, गर्भावस्था, आसानी से जीवन शैली का इस्तेमाल करना। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव की कंडीशन में हैं या फिर ज़्यादा मात्रा में शराब का इस्तेमाल करते हैं तो आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए आपको कौन कौन सी घरेलू उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला तरीका होता है पानी का इस्तेमाल करना। हर दिन कम से कम आपको 8 गिलास पानी पीना चाहिए। जितना हो सके आपको पानी पीना चाहिए। रोज़ाना के तौर पर आप 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी का इस्तेमाल करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि वज़न को कम करने में मदद करते हैं। दूसरा तरीका होता है शहद और नींबू का इस्तेमाल करना। शहद और नींबू एक साथ शरीर के वज़न को कम करने में मदद करते हैं। गुनगुने पानी के साथ अगर आप शहद और नींबू को लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आप रोज़ाना खाली पेट नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका वज़न कम हो जाता है। आप इन उपायों को जरूर करें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तीसरा उपाय होता है ग्रीन टी का इस्तेमाल करना। ग्रीन टी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो जिद्दी से जिद्दी वसा को पूरी तरह से पिघला देता है। अगर आप रोज़ाना ग्रीन टी जो कि आप बिना चीनी के इस्तेमाल करोगे तो आपका वज़न धीरे धीरे कम होता जाएगा। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद उपाय है। चौथा उपाय होता है खीरे का इस्तेमाल करना। क्या आपको पता है खीरे के अंदर 90% पानी रहता है। इसके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर्स रहते हैं और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। दोस्तों, यह आपको ताज़ा रखने में मदद करता है। बॉडी के अंदर जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार लाता है, चेहरे को साफ रखता है, त्वचा को सुंदर बनाता है और आपके मोटापे को धीरे धीरे कम करता है। आप रोज़ाना के तौर पर सलाद में खीरे का इस्तेमाल करें, यह आपके वज़न को कम करने में मदद करेगा। पांचवा उपाय है गाजर का इस्तेमाल करना। पेट के मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है गाजर। यदि आप रोज़ाना सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गाजर का जूस पीते हैं तो निश्चित ही आपका पेट कम होने लगेगा। आप इसे 1 महीने तक इस्तेमाल करोगे, आपके शरीर में ताकत भी बढ़ेगी, साथ साथ गाजर के जूस के इस्तेमाल से आपका वज़न भी कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।